सेवा करते हैं, मथा टेकते हैं और पाठ सुनते हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका स्ट्रेट लाइन में और मैं हूं आपके साथ मोहित कोतवाल। दर्शकों, आप सभी को मेरी और चैनल की तरफ से गुरु पूर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस समय हम जम्मू में मौजूद हैं और आप मेरे बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं कि यहां पर आज दरबार बाहर लगा हुआ है, क्योंकि आज गुरु नानक देव जी का प्रकाश दिवस है और आप इस समय देख पा रहे हैं कि यहाँ पर संगत भारी मात्रा में आ रही है। कुछ संगत आ रही है और संगत कुछ बाहर जा रही है और इस समय आप देखिए गुरुवाणियों के साथ जम्मू का माहौल इस समय पूरा भक्ति में हो चुका है और फूलों से सुशोभित इस दरबार को सजाया गया है। रंग बिरंगे फूलों से इसको सुशोभित किया गया है और गुरुवाणियों के साथ इस समय आप देख रहे हैं कि संगत किस प्रकार से यहाँ पर बैठी हुई है और संगत गुरुवाणियों का इस भक्ति में माहौल का पूरा आनंद इस समय ले रही है। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर संगत दर्शन करने के बाद, माथा टेकने के बाद, यहाँ से प्रसाद लेते हुए फिर अपने अपने स्थान ग्रहण करने के पश्चात गुरुवाणियां साथ में यहाँ पर गुनगुना रहे हैं। इस समय हमारे साथ तेजिंदर सिंह जी साथ में हैं और इनसे आज पूछेंगे गुरु प्रकाश का जो आज दिन है, उत्सव मनाया जा रहा, तो कितनी धूमधाम से मनाया जाता है। सर, ये हमारे पहले गुरु गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व 555वां मनाया जा रहा है, जो यहाँ पे हर साल बड़ी श्रद्धा से, धूमधाम से, बड़े दूर दूर से लोग इधर आते हैं। तो मैं थोड़ा पंजाबी में बोलूँ तो कोई ऐसी बात नहीं, ये हमारे पहले पातशाह जी गुरु नानक देव जी का बड़े धूमधाम से हम तो बड़े हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाते हैं। तो हम आपको क्या बताएं कि बड़ी खुशी है, सभी को बहुत बहुत मुबारक है। रणवीर जी, आज गुरु प्रकाश जन्म उत्सव है, तो क्या कहना चाहते हैं इस शुभ अवसर पर? मैं बहुत खुश हूँ कि जन्म प्रकाश है, गुरुपुरब आज, इस दिन गुरु जी आए, उनका था प्रकाश था, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। जी जी, तो और कौन कौन आया आपके साथ आज? मेरी मम्मी आई है, मेरे पापा आए और मेरे भैया आए। अच्छा, तो अभी आए हैं आप? अभी आए, मेरे पापा आए थे 10। अच्छा, और क्या क्या रहता है, क्या क्या करते हो आप इस दिन? मैं इस दिन हम सेवा करते हैं, मथा टेकते हैं और पाठ सुनते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो जैसे कि बच्चे ने कहा कि सेवा करते हैं, पाठ करते हैं और मथा टेकते हैं और इस शुभ अवसर पर जम्मू में जगह जगह पर इस दिन सेवादार सेवा कर रहे हैं और अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर प्रसाद के रूप में चाय और यानी कि और आइटम्स खाने के लिए रस, बिस्किट वगैरह दिए जा रहे हैं और जितने भी संगत है वो यहाँ से आते जाते गुजरते हुए इस प्रसाद को यहाँ पर ग्रहण कर रही है। सेवादारों से बातचीत करते हैं कि जो गुरु प्रकाश दिवस है वो किस प्रकार से आज इस दिन मनाया जा रहा है और कितनी हर्षोल्लास रहता है इस दिन सारे सिख समुदाय में। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह। सबसे पहले तो सर थोड़ा धन्यवाद करते हैं असी कि तुसी इत्थे आए हो, रौनक देख रहे हो, जो प्रकाश गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब लैके जो भी अज इतने समागम उलीक रहे हो, तुसी सारा कवर कर रहे हो। सब तो पहले असी TSL स्ट्रेट लाइन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हाँ जी, कितना हर्षोल्लास रहता है आज इस दिन सिंह साहब, किस प्रकार से मनाया जाता है इस दिन को? गुरु नानक देव जी जो हमारे सबसे पहले गुरु हैं, गुरु नानक देव जी उनका प्रकाश पर्व 555वां प्रकाश पर्व है। तो वर्ल्ड वाइड जो है हर साल जो सिख संगत है, सिख संगत नहीं, आप देखो ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं, हमारे नानकाना साहिब में भी
बहुत ही धूमधाम से ये जो है गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व जो है मनाया जाता है। हाँ जी जी, हमारे जम्मू में जितने भी गुरुद्वारे हैं तो हर गुरुद्वारे में आज या एक ही जगह पर सर... बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सुबह का जो प्रोग्राम होता है सुबह अमृत वेले से लेके छोटे जो मतलब टाउन एरिया में जो गुरुद्वारा साहब वहाँ पे 8-9 बजे समाप्ति हो जाती है, उसके बाद यहाँ पे चांद नगर शाम को 5 बजे समाप्ति होती है। अच्छा। हाँ जी, जो अंतिम अरदास है वो यहीं पे होती है 5 बजे। हाँ जी सिख साहब, क्या स्पेशल रहता है इस दिन, यानी कि आम रूटीन के अलावा गुरुद्वारे में क्या रूटीन्स इस दिन, मतलब क्या रिचुअल्स रहते हैं, क्या स्पेशल रहता है इस दिन? देखिए गुरबानी कीर्तन होता है, अखंड पाठ साहिब रखे जाते हैं, उनका भोग पड़ता है। हाँ जी, तो दरबार भी बाहर लगता है आज। हाँ जी, देखिए यही है कि सरबत के भले का जो संदेश गुरु नानक देव जी ने दिया है वही आगे प्रथा जो है वो चल रही है। उनका लंगर जो उनके द्वारा 20 रुपए का लंगर चलाया गया था, 13-13 का उपदेश देते हैं वो, बहुत सारी जो है गुरु नानक देव जी की जो उपलब्धियां हैं वो इसी कम्युनिटी आगे उनको फॉलो करती है। क्या संदेश देना चाहते हैं आप, नौजवान बच्चे जो है हमारे हिंदुस्तान के, क्या उन्हें संदेश देना चाहते हैं इस दिन? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यही है कि हमें सारी कम्युनिटी को साथ लेकर चलना चाहिए, अपने देश के लिए सोचना चाहिए। हाँ जी, और नशों से ज्यादा दूर रहना चाहिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी।